हाय फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं SOS विलेज। तो ऐसे ही कंप्लेन आया था, तो आज ये घूमने के लिए जा रहे हैं ऐसे ही। तो कंप्लेन ज़्यादा बड़ा कंप्लेन नहीं है, तो हम टूर करते हैं ऐसे, दोनों भाई मिलकर टूर करते हैं, हमारा टीम भी टूर करते हैं। तो आज हम भाई अच्छा बुल्लू भाई, तो बुल्लू हेंगा जी देखो तो आप। चलिए, तो आज हम अभी तो निकल गए हैं, हम कल्पना से निकल गए हैं। कल्पना से निकल कर हम जाएंगे सोम हॉस्पिटल के पास। तो आज हम भैया हम तो क्या कर रहे हैं, हमारे पास हम तो कैमरा नहीं यूज़ करते हैं, मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो जो भी वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है तो माफ़ करना, देखेंगे कैसे अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो ये जो चैनल है, हम ऐसे ही ब्लॉग के नाम पर बनाए, ऐसे घूमते हैं हम। तो घूमने के लिए ऐसे ही, जो जहाँ जहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं हम ऐसे ही वीडियो डालेंगे। तो काम के बारे में कोई भी पूछना हो, तो जो भी भाई भैया हमारे इलेक्ट्रिशियन है, वो काम के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हमको बताना, कोई बात नहीं। हमारा नंबर है, हम तो 24 आवर सर्विसिंग देते हैं। तो आज चलते हैं वहाँ पर, क्या हुआ है प्रॉब्लम। सुबह ही कॉल आया था हमको, तो हम जा रहे हैं अभी चेक करने के लिए ऐसे। तो चलिए, क्या हुआ है, हमारा अर्थिंग का प्रॉब्लम हुआ है। तो ये अर्थिंग पैनल पूरा पूरी शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो ज़्यादा देर यहाँ पे जो जिस चीज़ को भी पकड़े पैनल को करंट लगता है। तो फेज भी दिखा रहे हैं, ये देखिए टेस्टर लगा रहे हैं, इसमें फेज भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अर्थिंग की शॉर्ट हुई है। हमने अभी डिस्कनेक्ट करेंगे अर्थिंग की। तो ये बहुत पुराना पैनल है, इसीलिए अर्थिंग की प्रॉब्लम हो रहा है। तो पीछे से भी इनकी आ रहा है, हमारा जो फेज आ रहा है, तो रिवर्स की वजह से इसकी अर्थिंग लूज हो गया है, उसीलिए ये हमारा फेज दिखा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये बहुत पुराना चीज़ है ना, उसीलिए इसकी प्रॉब्लम हो रहा है। इधर ये जो तार भी डाले हुए, तार भी ख़राब होने वाला है। तो ये MC भी ज़्यादातर ट्रिप करते हैं अर्थिंग की वजह से।
आइए चेक करते हैं क्या हुआ क्या नहीं। तो इनकी सर्वो भी लगा हुआ है, सर्वो में करंट आ रहा है। तो इसको खोलेंगे, अभी खोल के चेक करेंगे अर्थिंग की क्या हालत हुआ है या क्या नहीं। तो दोस्त हमने उनका काम कंप्लीट कर दिया, तो काम कंप्लीट होने के बाद हम आके बैठे उनके दफ्तर में। तो क्या हुआ था, उनके अर्थिंग शॉर्ट हो गया था बाद में, पीछे से उन्होंने हर एक के लिए अर्थिंग बनाया हुआ है, पर ये बहुत पुराना अर्थिंग है तो उसी लिए प्रॉब्लम हुआ था, अर्थिंग की कट हो गया था। तो दो दो अर्थिंग बनाया, एक अर्थिंग सही है, दूसरा अर्थिंग डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसी लिए उनकी सारे पैनल और नया सर्वर लगा हुआ है उसको भी अर्थिंग की वजह से करंट मार रहा था। तो क्या हुआ, इसीलिए हमने डिस्कनेक्ट किया, पीछे से हमारे रिवर्स जो करंट आता है उनको अर्थिंग की वजह से उनको भी लगता है, तो इसीलिए हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। ये काम कंप्लीट हो गया बाद उनकी दफ्तर में अभी सार आएंगे, हम उनके साथ बात करेंगे। तो क्या हुआ था, नया अर्थिंग बनाएंगे और वही अर्थिंग में हम डाल देंगे। तो सार पूछ रहे, बोल रहे थे नया अर्थिंग बनाएंगे, तो नया अर्थिंग बनाने के बाद हम उसको उनका, तो ये बहुत पुराना काम है इसलिए मेंटेनेंस मांग रहे हैं, तो हमने उसको सही तरह से ठीक किया था। बाद में यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, तो जिसने भी काम किया था फॉल्ट क्यों हो रहा है वो तो पता नहीं, बट ज़्यादातर तो ये पुराना काम है तो फॉल्ट ही निकलेगा, ऐसा कोई बात नहीं। तो ये हमारा जो चैनल है ये नया चैनल है, हमने इसीलिए उसको ओपन किया। हम ज़्यादातर हमारा जो टीम में है बुलू भैया और मैं, हम ज़्यादातर घूमते हैं, उसीलिए ये चैनल बनाया है घूमने के लिए। तो टाइम पास के लिए हमारा छोटा मोटा जो काम होता है हम घूम के ही काम करते हैं। बाद में जो भी प्रॉब्लम हो, शॉर्ट आउट हो, हमारा नंबर है, कॉल कीजिए। आपको प्रॉब्लम की कोई भी दिक्कत हुआ आप नहीं जान पाते हैं तो हमको फ़ोन कीजिए, हम आपको बता देंगे। बाद में सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जो भी हमारा नया वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा। आपका भी, आप एक इलेक्ट्रिशियन हो तो आपको कोई दिक्कत हो रहा है, या नया बंदे हो आप, कोई आपको पता नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं, तो ज़्यादातर हमारा नंबर भी दिया हुआ है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमने तो 24 आवर भी सर्विसिंग अभी शुरू किया है, तो अभी हमारा ऑनलाइन का भी काम शुरू होने वाला है। तो धीरे धीरे हमारे टीम में भी ज़्यादा मेंबर नहीं है, हम बस 5 ही मेंबर हैं। तो इस वीडियो यहाँ यहीं पे ही रखते हैं। तो दोस्त लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, उस टाइम तक आप खुशी से रहिए, और ज़्यादातर आप ये बाहर तो घूमते हो आप लोग, तो सैनिटाइजर मास्क यूज करना इस टाइम में। आप इलेक्ट्रिशियन हो तो आपके ऊपर ज़्यादातर बंदे डिपेंड होते हैं, तो आप आपको सुरक्षित रखिए और बाकी लोगों की सुरक्षित कीजिए।